हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। दिल्ली LG ने कहा, आपसे 97 करोड़ वसूलो, 15 दिन का वक्त दिया, पार्टी के प्रचार में सरकारी पैसों के इस्तेमाल का आरोप। तो दोस्तों, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना ने चीफ सिक्योरिटी को आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने के आदेश दिए हैं। और दोस्तों, इसके लिए पार्टी को 15 दिन का समय दिया गया है। साथ ही दोस्तों, CM अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी के प्रचार में सरकारी पैसे खर्च किए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि LG का कहना है कि केजरीवाल ने राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के तौर पर पब्लिश करवाया था। और दोस्तों, अगस्त 2016 में हाईकोर्ट ने इस मामले में 3 सदस्यीय की एक कमेटी में गठित की थी और कमेटी को विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि को लेकर जांच के आदेश भी दिए गए थे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि रिपोर्ट में यह बताया गया था कि पार्टी ने सरकारी विज्ञापनों का इस्तेमाल खुद के लिए किया है और उन्होंने कई संचार माध्यमों से सरकारी पैसे पर विपक्ष पर निशाना साधा था। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कश्मीर में शोपिया में एनकाउंटर, लश्कर के 3 आतंकी ढेर, 1 दहशतगर्द कश्मीरी पंडित पूरन भट्ट की हत्या में शामिल था, हथियार बरामद। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में शोपिया के मुंज मार्ग इलाके में मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो दोस्तों, इसमें लश्कर के 3 आतंकी मारे गए हैं और इनके पास से एक AK-47 राइफल और 2 पिस्तौल बरामद हुई है। तो दोस्तों, इसकी जानकारी कश्मीर जोन पुलिस के ट्विटर पर दी है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसकी जानकारी कश्मीर जोन पुलिस ने ट्विटर पर दी है और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में नाकेबंदी सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। साथ ही दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुंज मार्ग इलाके में सुरक्षा बलों को आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी और इसके बाद जवानों ने इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू किया। इसी बीच दोस्तों, आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद दोस्तों, एनकाउंटर शुरू हो गया और फिलहाल मौके पर सुरक्षा बलों की टीम मौजूद है और सर्च ऑपरेशन भी जारी है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। खड़गे की कुत्ते वाले बयान पर संसद में हंगामा, बीजेपी ने माफी की मांग की, कांग्रेस अध्यक्ष बोले, मैंने जो कहा वो सदन के बाहर कहा था। तो दोस्तों, संसद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कुत्ते वाली टिप्पणी पर हंगामा हो रहा है। तो दोस्तों, भाजपा खड़गे से माफी की मांग कर रही है। साथ ही दोस्तों, भाजपा का कहना है कि उन्होंने देश के सामने झूठ पेश करने की कोशिश की और उधर खड़गे का कहना है कि उन्होंने जो कहा वो सदन के बाहर कहा था। तो दोस्तों, राज्यसभा में भाजपा नेता पीयूष गोयल ने कहा है कि रविवार को अलवर में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के अभद्र भाषण दिया है और उन्होंने जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, निराधार बातें कही है और देश के सामने झूठ पेश करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, खड़गे को भाजपा, संसद और इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और खड़गे ने हमें उनकी मानसिकता की झलक दी है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र से पहले ही आज भाजपा की संसदीय दल की मीटिंग हुई है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे हैं। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 5 राज्यों में घना कोहरा, हरियाणा में डिप्टी CM के काफिले का एक्सीडेंट, नोएडा में बस पलटी, कानपुर में फ्लाइट कैंसिल। तो दोस्तों, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे के कारण मंगलवार सुबह विजिबिलिटी बेहद कम हो रही है। और दोस्तों, मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले कुछ दिन इन राज्यों में काफी घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं दोस्तों, हरियाणा में कोहरे की वजह से डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नोएडा में रविवार सुबह एक बस रेलिंग तोड़कर 10 फीट नीचे गिर गई है। और दोस्तों, हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है। और उधर दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी सिर्फ कुछ ही मिनट ही थी। तो दोस्तों, इसका वीडियो पैसेंजर ने शेयर किया और कानपुर में भी कोहरे को देखते हुए 4 फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। ट्विटर पर PM मोदी का ब्लू टिक ग्रे हुआ, सरकारी ट्विटर अकाउंट्स को मिला ग्रे वेरीफाइड टिक, राहुल के पास अभी भी ब्लू टिक है। तो दोस्तों, ट्विटर पर नए वेरिफिकेशन सिस्टम के तहत बदलाव दिखना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अकाउंट से ब्लू टिक हट गया है और इनके हैंडल में ग्रे टिक दिखने लगा है। हालांकि दोस्तों, ग्रे टिक वाले नियम को अभी तक पूरी तरह से रोल आउट नहीं किया गया है और कई राजनेताओं के हैंडल में अभी भी ब्लू टिक दिखाई दे रहा है। वही दोस्तों, राहुल गांधी के अकाउंट पर अभी भी ब्लू टिक बना हुआ है। और दोस्तों, आपको बता दें कि 13 दिसंबर को
ट्विटर ने वेरीफाई की पॉलिसी चेंज कर दी थी और इसे 3 कलर की कैटेगरी में बांटा गया था। तो दोस्तों कंपनी को गोल्ड चेक, सरकार को ग्रे चेक और आम नागरिकों को ब्लू टिक मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। शेयर बाजार में बिकवाली हावी, सेंसेक्स 600 से ज्यादा अंक टूटा, निफ्टी में भी करीब 200 अंकों की गिरावट। तो दोस्तों शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि मंगलवार को गिरावट देखने को मिल रही है और दोस्तों सेंसेक्स 600 अंकों से ज्यादा अंक नीचे 61,150 के करीब कारोबार कर रहा है। वही दोस्तों निफ्टी में भी करीब 200 अंक या 1.10% तक की गिरावट है और दोस्तों यह 18,200 के करीब कारोबार कर रहा है। वही दोस्तों आपको बता दें कि निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स करीब 1.5% टूटा है। वही दोस्तों ऑटो, FMCG, IT, मेटल, मीडिया और रियल्टी इंडेक्स में भी 1% से ज्यादा की गिरावट है। वही दोस्तों प्राइवेट बैंक, बैंक फार्मा में भी करीब 1% गिरे है और दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 28 में गिरावट है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी बाजार में लगातार 4th ट्रेंडिंग सेशन में भी गिरावट आई है और हफ्ते के पहले दिन डाउ जोन्स 163 अंक या 0.49% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। वही दोस्तों मेटा का शेयर भी 4% टूटा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। तबलीगी जमात में कराई थी अमरावती के केमिस्ट की हत्या, पैगंबर पर कथित टिप्पणी के बाद सिर धड़ से अलग करना चाहते थे, NIA चार्जशीट में खुलासा। तो दोस्तों महाराष्ट्र के अमरावती में केमिस्ट उमेश कोहले की हत्या तबलीगी जमात के कट्टरपंथी इस्लामवादियों ने की थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि NIA की चार्जशीट में कहा गया है कि उमेश की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई थी। वही दोस्तों तबलीगी आतंकियों ने उसका गला काटा था ताकि लोगों के मन में डर पैदा किया जा सके। वही दोस्तों आपको बता दें कि केस की जांच कर रही NIA ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि मर्डर के 11 आरोपी तबलीगी जमात के इस्लामिक कट्टरपंथी थे और तबलीगी जमात के एक इंटरनेशनल देवबंदी इस्लामिक मिशनरी है जो कि इस्लामिक मान्यताओं का सख्ती से पालन करने पर जोर देता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। स्मृति की राहुल सोनिया को सलाह, कहा आपको और अपनी मम्मी जी को अपनी स्त्री विरोध गुंडों के लिए नए स्पीच राइटर की जरूरत। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल और सोनिया गांधी को अपने नेताओं के लिए नए राइट्स हायर करने की सलाह दी है और दोस्तों उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनकी मम्मी सोनिया गांधी को नए स्पीच राइटर की जरूरत है। साथ ही दोस्तों ईरानी ने यह बात यूपी कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के लिए कही है। इसके साथ ही दोस्तों अजय को उन्होंने स्त्री विरोध भी बताया है। तो दोस्तों दरअसल यूपी कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को कहा था कि स्मृति ईरानी अमेठी में आती है और लटके झटके देकर चली जाती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अजय राय ने 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे और उन्होंने यह भी कहा था कि 2024 में राहुल गांधी वाराणसी से PM मोदी को चैलेंज देंगे। और कांग्रेस नेता के इसी बयान पर स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस लीडरशिप को यह सलाह दी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कोरोना अलर्ट, 90 दिन में 60% चीन संक्रमित होगा, बीजिंग में 24 घंटे हो रहे अंतिम संस्कार, 2000 तक वेटिंग, अस्पतालों में बेड, दवाएं नहीं। तो दोस्तों चीन में कोरोना प्रतिबंधों में ढील के बाद वहां संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और दोस्तों जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद केसेस में भारी इजाफा हो रहा है। वही दोस्तों हालात इतने गंभीर है कि अस्पतालों के सभी बेड भरे है और दवाएं नहीं है, जहां है वहां भी लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। तो दोस्तों बीजिंग में शमशानों में 24 घंटे अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं और दोस्तों हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग 2000 तक पहुंच गई है। वही दोस्तों एक्सपर्ट का कहना है कि चीन में कोरोना केस दिनों नहीं बल्कि घंटों में 2 गुने हो रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी साइंटिस्ट और महामारी विशेषज्ञ एरिक फेगल्टिक ने सोशल मीडिया पर चीन के चौंकाने वाले वीडियोस भी शेयर किए हैं। तो दोस्तों इनमें अस्पतालों, शमशानों और मेडिकल स्टोरों के चिंताजनक हालात दिखाई पड़ रहे हैं और दोस्तों उन्होंने कोरोना पर भारी चेतावनी जारी की है और कहा है कि 90 महीनों में चीन की 60% आबादी और दुनिया के 10% लोग कोरोना से संक्रमित होंगे और करीब 1,000,000 मौतों की आशंका है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार और दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले बारी है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे काटने पर लोग गाना गाते हैं? तो दोस्तों फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दे, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।